बहुत हुई मन की बात, अब करो जन की बात। नमस्कार, मैं रविश कुमार। 5 अगस्त को अयोध्या में भूमि पूजन के बाद ऐलान हुआ कि परम वैभव संपन्न भारत के निर्माण का शुभारंभ हुआ है। एक महीना भी नहीं बीता कि 5 सितंबर को शाम 5 बजे नौजवान थाली बजाने लगते हैं। उन्हीं जगहों पर उसी तरह से थाली बजाने लगते हैं जैसा उन्हें 22 मार्च के दिन शाम 5 बजे करने को कहा गया था। यहां यह महत्वपूर्ण है कि इन नौजवानों में से अधिकतर या किसी को थाली बजाने का वक्त 5 महीने बाद भी शाम 5 बजे याद रहा। 5 और 5 की यह तुकबंदी इसलिए नहीं मिला रहा कि हेडलाइन चमकदार हो जाए, बल्कि यह समझने के लिए कि थाली बजाने का तरीका राजकीय था, यानी प्रधानमंत्री ने जनता से आह्वान किया था। जब जनता ने इसे विरोध के रूप में इस्तेमाल किया, तब क्या वह सरकारी तरीके से अलग रूप दे पाई थाली बजाने को, या उसी के जैसे हो गई जनता? मैं चाहता हूं कि 22 मार्च रविवार के दिन हम ऐसे सभी लोगों को धन्यवाद अर्पित करें। रविवार को यानी जनता कर्फ्यू के दिन शाम को ठीक 5 बजे हम अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर या बालकनी में या खिड़कियों के सामने खड़े होकर 5 मिनट तक रविवार को शाम को 5 बजे 5 मिनट तक ऐसे लोगों का आभार व्यक्त करें। और आभार कैसे व्यक्त करेंगे? ताली बजा करके, थाली बजा करके, घंटी बजा करके हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें, उनका हौसला बढ़ाएं, उनको सैल्यूट करें। प्रधानमंत्री चाहते थे कि कोरोना से लड़ने में जो लोग लगे हैं, जैसे अस्पताल के कर्मचारी, डॉक्टर, नर्स, पुलिस और मीडिया के लोग, उन्हें जनता सम्मान दे और उनका हौसला बढ़ाए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बताया है कि इस दौरान करीब 337 डॉक्टरों की मौत हो चुकी है कोविड की लड़ाई से। देश के डॉक्टरों की संस्था आईएमए के पास इन शहीद डॉक्टरों की पूरी जानकारी तक नहीं है। प्रधानमंत्री को लिखे गए उन्हीं के पत्र से पता चलता है कि डॉक्टरों को शहीद मानकर सम्मान राशि देने का वादा हुआ था, मगर कईयों को वो सम्मान राशि अभी तक नहीं मिली है। भारत में कोरोना से 71,642 लोगों की मौत हो चुकी है। हम ब्राजील से भी आगे जा चुके हैं, दूसरे नंबर के देश दुनिया में बन चुके हैं। 42 लाख से ज्यादा केस हो चुके हैं और 90,000 केस अब हर दिन आने लगे हैं। जिस मीडिया के लिए देश के लोगों ने थाली बजाई थी, वो अब लाइव टेलीकास्ट में मां बहन की गालियां देने लगा है। बिना किसी कॉम्पिटिशन के खुद को विश्वगुरु घोषित करने वाले भारत की कहानी बता रहा हूं। न्यू लो यानी नया पतन। बहुत से लोग ऐसी तस्वीरों को साझा करते हैं न्यू लो की तलाश में। उन्हें पता भी नहीं चला कि मीडिया ने कब उन्हें पतन का उपभोक्ता बना दिया है। आप चैनलों पर पतन देखते हैं, पतन खाते हैं, पतन पीने लगे। लाइक और डिसलाइक कर आप अच्छे और बुरे में से किसी एक को नहीं चुनते, बल्कि उसी एक कंटेंट की लोकप्रियता का प्रसार कर रहे हैं। रिया चक्रवर्ती के आसपास कितने कैमरे हैं, गिनिए गिन सकते हैं तो। यानी चैनलों के पास अब भी रिपोर्टर, कैमरामैन और इन्हें दिल्ली से मुंबई भेजने का बजट है। बस ये आम जनता की तकलीफों और सरकार से सवाल करने के लिए नहीं। याद करेंगे तो पता चलेगा कि मीडिया ट्रायल मीडिया का स्थायी फॉर्मेट हो चुका है। बस इस बार रिया चक्रवर्ती हैं, पिछली बार कोई और थी या था, और अगली बार कोई और होगी या होगा। आप इंसाफ की लड़ाई नहीं देख रहे हैं, बल्कि न्याय के सिस्टम के ध्वस्त होने का सीधा प्रसारण रोज 2 महीने से देख रहे हैं। जनता याद करे, जब 22 मार्च को थालियां बज रही थी तब कितने कैमरे सड़क पर थे? जब 5 सितंबर को थालियां बज रही थी तब कितने कैमरे जनता के पास खड़े थे, बेरोजगारों के पास? कभी मीडिया एक अकेले के साथ खड़ा होता था,
आज मीडिया एक अकेले को घेर लेता है। कई बार कह चुका हूं, आज एक और बार, यह मीडिया भारत के अर्जित लोकतंत्र का हत्यारा है। अप्रैल आते आते साफ हो चुका था कि थाली बजाना एक पिटा हुआ फॉर्मूला है, क्योंकि अब थाली सरकार नहीं जनता पीटने लगी थी। मुन्ना भाई एमबीबीएस फिल्म में गांधीगिरी के रूप में गुलाब के एक फूल देने का सीन था। उस सीन की नकल आज तक हो रही है और उसका असर आज तक नहीं हुआ है। थाली बजाना भी उसी तरह का एक नया रूपक है। समाज में रूपकों का विस्तार हो जाता है, समस्याओं का समाधान नहीं होता। फ्लैशबैक में चलकर देखिए कि जब 22 मार्च को प्रधानमंत्री के आह्वान पर थाली बजाने का कार्यक्रम हुआ था, जनता ने कितने उत्साह से थाली बजाई। जानकारों ने अंग्रेजी और हिंदी में संपादकीय लिखे कि जनता के मानस पर एक छत्र राज करते हैं, जो कहते हैं वही पब्लिक कर देती है। लेकिन 9 दिन बाद ही पटना में नगर निगम के कर्मचारी सरकार के एक फैसले के खिलाफ थाली बजाने लगे। 12 अप्रैल को बेगूसराय में मुफ्त राशन नहीं मिला तो वहां पर लोगों ने थाली बजाकर विरोध किया। 20 अप्रैल को करनाल में आढ़तियों ने खरीद नीति के खिलाफ थाली बजाकर प्रदर्शन किया। 26 अप्रैल को सासाराम के महादलित टोले में थाली बजाकर विरोध किया गया, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें भी राशन दिया जाए। 28 मई को अमृतसर में प्रवासी मजदूरों ने थाली बजाई ताकि अनाज मिले। 9 जून को जालंधर में जिम मालिकों ने थाली बजाकर सरकार जगाओ कार्यक्रम चलाया। 8 अगस्त को भोपाल में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर थाली के साथ प्रदर्शन किया। एक ही थाली है, जिस जनता से सरकार बजवाती है वही जनता सरकार को सुनाने के लिए बजाती है। सरकार के पास बोलने के कई मुंह हैं, लेकिन सुनने के लिए कोई कान नहीं है। थाली बजाइए या शंख बजाते रहिए, जनता सरकार के तरीकों को अपनाकर थोड़े समय के लिए स्मार्ट तो लग सकती है, मगर लंबे समय में सरकार उससे स्मार्ट निकल जाती है। किसी के कहने पर थाली बजाना या थाली बजाकर सुनाना, दोनों ही स्थितियों में एक चीज अनुपस्थित है, विवेक, राजनीतिक समझ। रोजगार का प्रश्न परीक्षा के तारीख के प्रश्न तक सीमित नहीं है। इसलिए जो समझ रहे हैं कि जीत रहे हैं, जल्दी ही अपनी हार पर रोने वाले हैं। बहुत हुआ मन की बात। 5 सितंबर की शाम 5 बजे हिंदी प्रदेशों के कई हिस्सों से थाली बजाने के वीडियो आने लगे। इनमें से ज्यादातर वीडियो छात्रों के ही बनाए हुए थे, मीडिया के लाए हुए नहीं थे। मैं न्यूज चैनल नहीं देखता, इसलिए आप ही बता सकते हैं कि किस चैनल पर बेरोजगारों ने जब थाली बजाई तो संवाददाता ओवी वैन लगाकर सीधा प्रसारण कर रहा था। एक संख्या बताता हूं, रेलवे की 1.25 लाख से अधिक पदों के लिए करीब 2.5 करोड़ फॉर्म भरे गए थे। इतनी विशाल संख्या के बाद भी मीडिया ने इसे कवर करने लायक नहीं समझा। मीडिया तंत्र के गुलाम हो चुके लोकतंत्र में अब संख्या का महत्व समाप्त हो चुका है। छात्र 6 साल में नहीं समझ सके कोई बात नहीं, अगले साल समझ जाएंगे। अलग अलग जगहों से आई ये तस्वीरें सिर्फ रेलवे की भर्ती परीक्षा के परीक्षार्थियों की नहीं थी। इसमें अलग अलग सरकारों की अनगिनत परीक्षाओं के सताए गए परीक्षार्थी भी शामिल थे। उन सबको इस थाली बजाओ कार्यक्रम से कुछ हासिल नहीं हुआ, रेलवे के परीक्षार्थियों को भी खास हासिल नहीं हुआ। इस असफल आंदोलन से भी एक परीक्षा के सताए छात्र उत्साहित हैं, शायद यही सफलता है। अब ट्विटर पर मीम बनकर घूम रहा है कि यूपी के 69,000 शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया के सताए छात्र 9 सितंबर की रात 9 बजे अपने घर में अंधेरा करेंगे, मोबाइल से फ्लैश करेंगे, दिए जलाएंगे। जाहिर है उसे कोई कवर नहीं करेगा, जब प्रधानमंत्री कहेंगे तभी इसका कवर होगा। इसलिए छात्र प्रधानमंत्री से ही अपील करें कि सरकारें भले ही नौकरी ना दें, परीक्षा पूरी ना करें, मगर उनके आंदोलन का साथ दें ताकि मीडिया में कवर हो जाए। इस वक्त बड़ी लड़ाई कवर हो जाने की। 2014 में जब बीजेपी की इलेक्शन होने वाली थी तो ये कहा गया था कि मैं हर वर्ष युवाओं को 2 करोड़ वैकेंसी दूंगा। 2 करोड़ तो दूर की बात है, 2 लाख भी वैकेंसी नहीं आ रही। ये तो उनको पता है कि हम 10
1000 वैकेंसी दें या 1000 वैकेंसी दें, जितना युवा है वो तो फॉर्म फिलअप करेगा ही। फॉर्म फिलअप करवा करके उसको एग्जाम नहीं देना है। पहले फॉर्म फिलअप के 40 रुपये चार्ज थे, अब 500 रुपये कर दिए गए हैं। पिछले 5 वर्षों से भाजपा की गवर्नमेंट जब से आई उसका हर जगह यही रहा कि आर्थिक सुधार करेंगे, लेकिन आर्थिक सुधार के नाम पे वो हमारे युवा वर्ग को ठगती चली जा रही है अब तक, और अभी तक वही काम हो रहा है। यहाँ तक कि रेलवे का भी निजीकरण करने जा किया जा रहा है, जिसकी एवज में हजारों लाखों युवा बिहार उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों को जो कि एकदम गवर्नमेंट जॉब पर ही डिपेंड है, उनमें एक आत्मदाह की भावना उत्पन्न हो रही है और आत्मविमोह की भावना उत्पन्न हो रही है, जिसके कारण उनकी पूरी फैमिली, गार्जियन प्लस बच्चे सभी लोग एक प्रकार का डिप्रेशन में जा रहे हैं। 69,000 वाली भर्ती टेट दिया था और उसके बाद सुपर टेट दिया, दोनों में क्वालिफाइड हूँ, बट अभी तक उसका कोई रिजल्ट का कोई इतना पता नहीं है। बीच में रिजल्ट आया भी तो उसमें तमाम तरीकों का ऑब्जेक्शन हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक और याचिकाओं की पड़ी, और मतलब सब मिला के बहुत बुरी स्थिति में फंसा हुआ है और उसका कोई क्लियरेंस भी होना। कितना मतलब कितना साल हो गए रिजल्ट को रुके हुए? लगभग 2 साल, 6 जनवरी आएंगे तो 2 साल हो जाएंगे रिजल्ट को। लखनऊ उत्तर प्रदेश में रहती हूँ। मैं पिछले 8 महीनों से बेरोजगार हूँ क्योंकि मैं डीएलएड 2017 बैच से मैंने बीटीसी जनवरी माह में कंप्लीट किया हुआ है और मैं टेट और सीटेट दोनों ही क्वालिफाई हूँ, और पिछले 8 महीनों से मैं शिक्षक भर्ती का वेट कर रही हूँ। इवन मैं ही क्या, मेरे जो डीएलएड के साथी हैं, 4 लाख साथी हैं, सभी बेरोजगार पिछले 8 महीनों से हैं। और इस मुद्दे पर हमारे जो शिक्षा मंत्री जी हैं सतीश द्विवेदी जी, उनका कहना है कि जब तक बहुचर्चित जो 69,000 वैकेंसी है वो जो जब तक पूरी नहीं हो जाती है तब तक वो आगामी भर्ती की घोषणा नहीं करेंगे उत्तर प्रदेश में, जिसकी वजह से हम बेरोजगार हैं। और कह सर, मैं माननीय सतीश द्विवेदी जी से मैं एक चीज़ पूछना चाहती हूँ कि सर 69,000 भर्ती पूरी होने में हम 4 लाख डीएलएड प्रशिक्षुओं की क्या कमी है, क्या गलती है जो हम पिछले 8 महीनों से बेरोजगार इस कोरोना में झेल रहे हैं? 5 सितंबर की शाम 5 बजे ट्विटर पर हंगामा तो हुआ, थाली बजी तो रेल मंत्री ने पहली बार इस मामले में ट्वीट किया, वो भी अपना बयान नहीं बल्कि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के बयान को ट्वीट किया। सिर्फ सूचना ही थी, नौकरी देने के वक्त किए जाने वाले दावे नहीं थे कि हमारी सरकार सबको रोजगार देगी वगैरह वगैरह। पीयूष गोयल के उस बयान की छौंक तक नहीं थी कि रेलवे के इकोसिस्टम में 10 लाख नौकरियां दी जा सकती हैं, वो अक्टूबर 2017 का बयान था। पहले सुनिए रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव को। रेलवे में 1,40,000 वैकेंसी नोटिफाई की गई थी कोविड से पहले, और इसमें कुल 2,42,00,000 एप्लीकेशंस आई थी, और इस एप्लीकेशंस की स्क्रूटनी पूरी कर ली गई थी। किसी वजह से कोविड की सिचुएशन होने की वजह से वो एग्ज़ाम नहीं हो पाया, और अब ये निर्णय लिया गया है कि जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, इसका जो एग्ज़ाम होता है इसके लिए, वो 15 दिसंबर से शुरू किया जाएगा और एक इसका डिटेल शेड्यूल बहुत ही जल्दी जारी किया जाएगा। यहाँ कोविड एक बहाना है, नीट जेईई की परीक्षा कराते वक्त सरकार कोविड को बहाना नहीं बनाती है। रेलवे की जिस परीक्षा की बात हो रही है उसके फॉर्म भरने की प्रक्रिया अप्रैल 2019 में खत्म हो चुकी थी, तब आपने कोरोना का नाम नहीं सुना था। इस परीक्षा को जून से सितंबर 2019 के बीच संपन्न होना था, मगर अब यह परीक्षा दिसंबर 2020 में शुरू होगी। छात्र ही कह रहे हैं कि प्रक्रिया पूरी होने में 2020 या 2023 आ जाएगा, 3-4 साल निकल जाएंगे उनकी जिंदगी के। खैर, जब 5 सितंबर को विनोद कुमार यादव ने बयान जारी किया तब वे क्या आसानी से भूल गए कि इस आंदोलन में सहायक लोको पायलट की परीक्षा पास कर ज्वाइनिंग के लिए तरस रहे जवान शामिल हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले इस परीक्षा का ऐलान हो चुका था। खैर, 6 सितंबर को विनोद कुमार यादव दूसरा बयान जारी करते हैं, वो सुनिए। एएलपी जिनका सिलेक्शन हुआ है, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि उन सबको अपॉइंटमेंट लेटर बहुत जल्दी दिया जाएगा। जो एएलपी ज्वाइन करते हैं उनको ज्वाइन करते ही ट्रेनिंग करना होता है,
और वो ट्रेनिंग इस समय कोरोना के समय कैसे किया जाए उसके बारे में हम प्लानिंग कर रहे हैं, और जैसे ही ट्रेनिंग के बारे में प्लानिंग पूरी हो जाएगी हम ये उनको ज्वाइन करा के और ट्रेनिंग पे भेजेंगे। ये ट्रेनिंग जो होती है वो फील्ड में होती है, और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब भी ये ट्रेनिंग हो जाए तो पूरी सावधानी बरती जाए और किसी के स्वास्थ्य को कोई तकलीफ ना हो, तो उसको ध्यान में रखते हुए जैसे ही ट्रेनिंग के लिए पूरी प्लानिंग हो जाएगी हम उनको ज्वाइन करा लेंगे। विनोद कुमार यादव अपने इस दूसरे बयान में भी एक परीक्षा भूल जाते हैं। 27,795 लोको पायलट के साथ साथ 36,576 टेक्नीशियन की भी बहाली निकली थी, जिसका रिजल्ट अक्टूबर 2019 में आया। कुछ की इस साल ज्वाइनिंग हुई मगर बाकियों की अटकी हुई है, कब होगी इस बारे में बयान नहीं आया है। विनोद यादव कह रहे हैं कि सहायक लोको पायलट की ट्रेनिंग कैसे कराई जाए इसकी प्लानिंग पूरी होते ही उन्हें ज्वाइन करा लिया जाएगा, अभी तक इसकी प्लानिंग भी नहीं हुई। पिछले साल अगस्त सितंबर से सारी प्रक्रियाएं पूरी कर नौजवान घर बैठे हैं बिना सैलरी के, अभी तक ट्रेनिंग की प्लानिंग नहीं हुई है। वो जब हो जाएगी तब अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा, कब होगी कब हो जाएगा इसकी कोई तारीख नहीं। अब मैं आपको फिर से फ्लैशबैक में ले जाना चाहता हूं। 19 जून के बिजनेस स्टैंडर्ड और इंडियन एक्सप्रेस की इस खबर को आप फ्लैशबैक में पढ़िए, देखिए जो करना है कीजिए। पहले खबर छपती है कि रेलवे ने जनरल मैनेजरों से कहा है कि रेलवे की आमदनी में कमी आ गई है, नई भर्तियों के सृजन पर रोक लगा दीजिए और जिन पदों पर भर्ती नहीं हुई है उन्हें सरेंडर कर दीजिए यानी समाप्त कर दीजिए, सुरक्षा पदों को छोड़कर नए पदों का सृजन नहीं होगा यानी नई वैकेंसी नहीं आएगी। एक दिन बाद रेलवे सफाई देता है कि पदों के विलय से नौकरियां कम नहीं होंगी। हम डाउन साइज नहीं कर रहे हैं, राइट साइज कर रहे हैं, एक दूसरा शब्द आता है। तब भी यह साफ नहीं किया गया कि 1,40,000 पदों की भर्ती के लिए जो 2.5 करोड़ फॉर्म भरे गए हैं उनकी परीक्षा होगी या नहीं होगी, उन पर रोक ये लागू होगी कि नहीं होगी। इन पदों को नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी कहा जाता है, NTPC। जाहिर है ये सुरक्षा से संबंधित पद नहीं होंगे। तब भी नहीं कहा जाता है कि सहायक लोको पायलट की ज्वाइनिंग जल्दी पूरी करेंगे, इसके बाद भर्ती नहीं होगी, ये जून के महीने की बात है। इस आंदोलन का सीमित लाभ यही हुआ कि रेलवे को ऑन रिकॉर्ड बोलना पड़ा कि 2.5 करोड़ फॉर्म भरे गए हैं और 1,40,000 पद हैं। परीक्षा 15 दिसंबर से शुरू हो सकती है, जो 23 जनवरी 2019 की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीयूष गोयल ने कहा था, रेल मंत्री ने, कि 2018 में जो भर्तियां निकली थी उन्हें 2-2.5 महीने में यानी मार्च अप्रैल 2019 तक पूरा कर लिया जाएगा। ये उन्हीं भर्तियों की बात मैं कर रहा हूं, आज तक इन पर नियुक्ति नहीं हुई है। यही नहीं, तब मंत्री जी ने कहा था कि 2021 तक रेलवे में 4 लाख पद भरे जाएंगे। चुनाव बीत गया, आप खुद भी सर्च करें कि इन भर्तियों को लेकर मंत्री जी ने कब कब बयान दिए हैं। पिछले वर्ष हमने शुरू किया था 1.5 लाख के करीब लोगों को नई नौकरी देने का काम, उसके बावजूद आज भी लगभग 1.25 लाख 1,32,000 लोगों की रिक्वायरमेंट रेलवे में है। और इसके अलावा अगले 2 वर्ष का जब आकलन लेते हैं तो लगभग 1 लाख लोग अगले 2 वर्ष में रिटायर होने का अनुमानित आंकड़ा है। तो यानी अंदाजन 2.5 लाख, 2.25 से 2.5 लाख लोगों को और अधिक मौका मिले, और 1.5 लाख की भर्ती का काम ऑलरेडी चल रहा है, तो एक प्रकार से 4 लाख नई नौकरियां रेलवे अकेले देने जा रहा है, जिसमें 1.5 लाख की तो प्रोसेस बहुत आगे बढ़ चुकी है, लगभग 2-2.5 महीने में पूरा प्रोसेस भी खत्म हो जाएगा। रेल मंत्री पीयूष गोयल को कम से कम स्टेटस रिपोर्ट देनी चाहिए कि अप्रैल मई 2020 तक कितनी भर्तियां पूरी होनी थी, कितनों को अपॉइंटमेंट लेटर मिले और कितनों को नहीं मिले हैं, वो कब तक दिए जाएंगे। प्राइम टाइम में मंत्रोच्चारण नहीं होता कि सारी परीक्षाओं के अलग अलग नाम लिए जाएं। मेरी नजर में रेलवे की परीक्षा एक उदाहरण है और सभी परीक्षाओं की प्रतिनिधि समस्या। कहीं शिक्षक भर्ती को लेकर नौजवान तड़प रहा है तो कहीं पुलिस भर्ती को लेकर, कहीं यूपी में कहीं बिहार में,
कहीं सहायक भर्ती को लेकर तो कहीं कोषागार भर्ती को लेकर, बंगाल से लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश से लेकर बिहार तक नौजवान परेशान है। ट्विटर पर ट्रेंड कराने और थाली बजाने तक एक हफ्ते की इनकी एकजुटता व्यापक रूप से फैल रही है। सबको भरोसा है कि नेहरू और कश्मीर पर व्हाट्सएप प्रचार ने इनके सोचने की राजनीतिक शक्ति समाप्त कर दी। उसी से बाहर आने में इन्हें 20 साल लगेंगे। आईटी सेल इस वक्त नदारद है। जब भी बेरोजगार ट्रेंड कराता है आईटी सेल भाग जाता है, जबकि उसे इसी वक्त नेहरू और धारा 370 को लेकर मीम बनाने चाहिए ताकि उनकी सुगंध से ही नौजवान फिर से मदहोश हो जाएं। हमें भी कवरेज के झंझट से मुक्ति मिल जाए। आज यानी 7 सितंबर के दिन 11 बजे भी कई परीक्षाओं के परीक्षार्थी अलग अलग ट्रेंड करा रहे थे। कुछ ट्रेंड ने जल्दी दम तोड़ दिए तो कुछ थोड़ी देर तक चलते रहे। IBPS क्लर्क्स इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन के 7 परीक्षार्थी ट्रेंड करा रहे थे। इनका हैशटैग था स्पीकअप PNB IB UBI CB CBI IBPS 9 ज्वाइनिंग 2 PNB क्लर्क ज्वाइनिंग। अक्टूबर 2019 में इस परीक्षा के फॉर्म भरे गए थे। छात्रों का कहना है कि 20 मई को नतीजे आए, लेकिन 100 दिन बाद भी पता नहीं कि प्रोविजनल अलॉटमेंट कब होगा। कुछ बैंक ने ज्वाइनिंग कराई है, कईयों ने नहीं कराई है। बिहार से दरोगा बहाली CBI जांच और हैशटैग #Stat2019 बिहार ट्रेंड करते ही दम तोड़ गया। महाराष्ट्र से हैशटैग ज्वाइन अस MSEDCLJE2019 चला। विद्युत वितरण विभाग ने 2019 अगस्त में ग्रेजुएट और डिप्लोमा इंजीनियर की 450 पोस्ट निकाली थी। परीक्षा पिछले साल नवंबर में हुई और रिजल्ट आकर अप्रैल में वेरिफिकेशन भी हो गया, मगर ज्वाइनिंग का कुछ पता नहीं। हैशटैग LIC असिस्टेंट इम्पैनल्ड 2019, हैशटैग ESIC छत्तीसगढ़ और हैशटैग DMRC 2019 वैकेंसीज इन जस्टिस ट्रेंड होकर शांत हो गया। रेलवे की एक और परीक्षा का ट्रेंड चलता रहा, हैशटैग RRB JEE ज्वाइनिंग, इसका कुछ पता नहीं है कब ज्वाइनिंग होगी। हैशटैग स्पीकअप फॉर ALP टेक वेटिंग लिस्ट भी चल रहा था। इनके अलावा हैशटैग UP पुलिस 2013 को नियुक्ति 2 भी नजर आया। FCI के असिस्टेंट जनरल ग्रेड 3 के पदों का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फरवरी मार्च 2020 में हो गया था। 6 महीने से नियुक्ति बाकी है। 4,100 से ज़्यादा छात्र हैं। इन्होंने हैशटैग स्पीकअप फॉर FCI ज्वाइनिंग या हैशटैग FCI जस्टिस फॉर OBC ट्वीट किया। उत्तर प्रदेश से सहायक कनिष्ठ टाइपिंग टेस्ट जारी करो, हैशटैग स्पीकअप फॉर UPSSC वीडियो ज्वाइनिंग और हैशटैग स्पीकअप फॉर UPSSC स्टूडेंट्स ट्वीट होता रहा। मजदूर माँ बाप हैं, वो लोग जो मजदूर माँ बाप हैं किसी तरह से पैसा इकट्ठा करते हैं, इलाहाबाद भेजते हैं इतनी मेहनत से, और फिर उसके बाद पता चलता है कि अब आप ही सोचिए 2016 की वैकेंसीज 2020 में हो रही है, लगभग 4 साल हो गए हैं। बताइए इस 4 साल के अंतराल में कितना लोगों को कष्ट हुआ होगा, कितना अंतराल गैप हुआ होगा, कितना पैसा, कई चीज़ें हैं जो 4 साल के अंदर हमको लग रहा है कि अगर बड़ा परिवर्तन हुआ। मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका हूँ और लगभग 4 साल तीन साल से मैं कम्प्लीटली तैयारी पे हूँ, तो मुझे लगता है कि आज सरकार के ऊपर आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। क्या लगता है उससे सरकार पे कोई प्रभाव पड़ा है या पड़ेगा? वैसे तो सरकार पूरी तरह से तानाशाही रवैया अपना रही है और सोशल मीडिया एकदम पूरी तरह से सरकार के अंडर में काम कर रही है। कुछ ही मीडिया ऐसे हैं जैसे मुख्यतः रवीश कुमार जी जो हैं, जो जमीनी स्तर से अपने आवाज़ को पूर्ति उठाते रहते हैं, और अच्छा लगता है कि हम जैसे विद्यार्थियों का ये आवाज़ ये बुलंद करने वाला कोई ऐसा मीडिया है जो लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक दिन इस सोशल मीडिया के द्वारा, रवीश कुमार जी के द्वारा कहीं ना कहीं एक विद्यार्थियों की ओर अग्रसर करेगा। ऐसा नहीं है कि रेल मंत्री रेल को लेकर ट्वीट नहीं करते। हर दिन वे एक तस्वीर ट्वीट करते हैं कि मालगाड़ी में कहां से क्या लदा है। कहीं ट्रक से अनाज लद रहा है तो कहीं कभी किसी तस्वीर में कारें लोड हो रही हैं, मगर नौकरियों को लेकर चुप्पी है। इसी तरह निजीकरण को लेकर संसद में बयान दिया करते थे कि उनकी सरकार के रहते निजीकरण नहीं करेंगे, मगर रेल मंत्री आए दिन निजीकरण के फायदे को लेकर ट्वीट करते रहते हैं। 23 फरवरी 2016 का ट्वीट किया कि सुधार
कीमतें बढ़ा देने से या निजीकरण से नहीं आता है, सिस्टम की कमियों को ठीक करने से आता है। अब 3 सितंबर 2020 को ट्वीट करते हैं और कई ट्वीट है कि निजीकरण से सिस्टम में एफिशिएंसी यानी सुधार आता है। कहते हैं आगे का रास्ता अवसरों की प्रचुरता से भरा है, ये अवसर सरकारी और निजी क्षेत्र में है। हाल में कई सेक्टर खोल दिए गए हैं जिनमें रेलवे भी है। 13 जुलाई 2020 को ट्वीट करते हैं कि सरकार के पास ही रेलवे का स्वामित्व होगा, लेकिन हम प्राइवेट सेक्टर को भी शामिल करेंगे ताकि कम कीमत पर अच्छी सेवा मिल जाए। यह नहीं बताते कि सरकार कम कीमत पर अच्छी सेवा क्यों नहीं दे सकती, क्या प्राइवेट सेक्टर के पास कोई गड़ा हुआ खजाना है। 8 जुलाई का ट्वीट देखिए पीयूष गोयल का, रेलवे की वर्तमान में चल रही सेवाओं में बिना कोई परिवर्तन किए निजी भागीदारी द्वारा आधुनिक सुविधाओं से युक्त 151 नई ट्रेनें चलेंगी। इन ट्रेनों से रेलवे का निजीकरण नहीं होगा, बल्कि इस भागीदारी से आधुनिक सुविधा, सुरक्षा सहित सीटों की उपलब्धता बढ़ेगी, जिसका लाभ यात्रियों को मिलेगा। प्राइवेट हो जाने से सीट कैसे बढ़ जाएगी। जब कांग्रेस ने आलोचना की तब पीयूष गोयल ने एक आर्टिकल ट्वीट करते हुए कहा कि दिशाहीन हो चुकी है कांग्रेस। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का उल्लेख प्रत्येक बजट में किया जाता है। क्या आप जानते थे कि पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप को निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन नहीं कहा जाता है। कई बार ये कहा जाता है कि हम रेलवे को प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। अब मेरा तो वैसे गला जल्दी बैठ जाता है पर गला फाड़ फाड़ के बार बार बोल चुके हैं कि कोई रेलवे को प्राइवेटाइज कर ही नहीं सकता है। रेलवे को प्राइवेटाइज करने का कोई मतलब ही नहीं है, कोई सवाल ही नहीं। भारतीय रेल को प्राइवेटाइज करने की ना तो कोई प्रस्ताव है, कल्पना है, और ना कभी प्राइवेटाइज होगा। भारतीय रेल भारत की जनता की संपत्ति है, जनता की संपत्ति रहेगी। लेकिन अगर कुछ नई सुविधाएं आती हैं एडिशनल, तो उससे देश का लाभ होगा। कोई नए प्रोजेक्ट लगते हैं, देश की जनता को नए तरीके से सुविधाएं मिलेंगी। कोई नए रूट से टेक्नोलॉजी लाते हैं, कोई नए स्टेशन बनाने को तैयार हो जाते हैं, तो मैं समझता हूं तो देश हित का काम है, निवेश को इन्वाइट करना चाहिए। रेलवे में किसी चीज को प्राइवेटाइज करने का किसी प्रकार की कोई योजना नहीं है। अगर कोई इस प्रकार की बात करते हैं तो वो गलत प्रचार है, और उसमें आप में से कोई भी गलत प्रचार में प्लीज डोंट फॉल प्रे टू इट। लंबे समय तक ये कहना कि निजीकरण नहीं होगा, फिर निजीकरण को नए अवसर के रूप में बताने लगना, गियर वैसे भी आसानी से चेंज हो जाते हैं। रोजगार बढ़ाने के नाम पर रेलवे का निजीकरण हो रहा है, लेकिन खुद प्राइवेट सेक्टर रोजगार नहीं दे पा रहा है। महामारी के कारण वह भी संकट में है। निजीकरण नहीं होगा, इसे लेकर पहले के बयानों पर कोई सफाई नहीं। 2021 तक 4 लाख नौकरियां क्यों नहीं दी जा सकेंगी, इस पर अब कोई बयान नहीं। पीयूष गोयल ने लोकसभा में बयान दिया था कि निजीकरण नहीं होगा, तो कम से कम उन्हें प्रधानमंत्री की बात तो याद होगी जो उन्होंने बनारस में कही थी दिसंबर 2014 में। तालियां भी सुनिएगा। कुछ लोग अफवाहें फैलाते हैं, आप में से कई लोग होंगे जो 20 साल की उम्र के बाद, 22 साल की उम्र के बाद, पढ़ाई करने के बाद रेलवे से जुड़े होंगे। मैं जन्म से जुड़ा हुआ हूं, इसलिए आप लोगों से ज्यादा रेलवे के प्रति मेरा प्यार है, क्योंकि मेरा तो जीवन ही उसके कारण बना है। जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, वो सरासर गलत है। मुझसे ज्यादा इस रेलवे को कोई प्यार नहीं कर सकता, और इसलिए ये जो गप चलाए जा रहे हैं, भाइयों बहनों, न ये हमारी इच्छा है, न इरादा है, न सोच है। हम इस दिशा में कभी जा नहीं सकते हैं, आप चिंता मत कीजिए। इसलिए कहा कि रोजगार को लेकर लड़ाई परीक्षा की तारीख हासिल करने की लड़ाई नहीं हो सकती है। सरकारें आसानी से तारीख दे देती हैं, उसके बाद रिजल्ट आने, मुकदमे से परीक्षा को निकालने और ज्वाइनिंग होने में 3 से 4 साल लग जाते हैं, कभी कभी 8 से 10 साल भी। मेरी नजर में थाली बजाओ आंदोलन को फेल होना था, फेल हो गया।
ऐसे आंदोलन अभी और होते रहेंगे, लेकिन मूल सवाल यही है कि केंद्र से लेकर राज्यों में तमाम सरकारी परीक्षाओं को लेकर व्यवस्था कब पारदर्शी होगी, कब ईमानदार होगी। इसमें चाहे बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की, कोई किसी से अलग नहीं है। यह आंदोलन यह भी बताता है कि सरकारें चाहें तो परीक्षा के नाम पर कुछ करोड़ नौजवानों को 3 से 4 साल के लिए कोचिंग और छात्रावास के कमरे में बंद कर उन्हें बेकार कर सकती है। छात्रों में भी राजनीतिक ईमानदारी नहीं है, वे जनता अब नहीं रहे, इसलिए वे नए हैशटैग की तैयारी में लग गए हैं कि 9 सितंबर को 9 बजे घर की लाइट बुझाएंगे, मोबाइल की लाइट फ्लैश करेंगे। तो कीजिए, दिखा कौन रहा है। नौजवान 5 से 5 और 9 से 9 की चुकबंदी बनाते रहेंगे, मगर होने वाला कुछ नहीं है। थाली बजाने के आंदोलन से कुछ नहीं है, लाखों ट्वीट करने से भी कुछ नहीं हुआ। यही हुआ कि धीरज और शालीनता के साथ लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल होने का इन्हें अनुभव हुआ, ट्रेनिंग मिली। आधा अधूरा सा बयान ही आया, भारत में रोजगार मुद्दा नहीं है, यह किसी भी चुनाव के नतीजे से साबित किया जा सकता है, एक आध अपवाद को छोड़कर। बेशक इस आंदोलन से नए नए नारे आए, ज्यादातर उन्हीं नारों पर बिठाए गए जिसे प्रधानमंत्री ने अपने चुनावी अभियान में इस्तेमाल किया था। कुछ मीम में हंसी मजाक भी है, जैसे यह मीम, चोर हूं ना चौकीदार हूं मैं, बेरोजगार हूं। यह गेम बहुत लंबा चलेगा, इस तरह के डायलॉग चल रहे हैं। डिसलाइक करने से कुछ हासिल नहीं हुआ है, ना होने वाला है। रोजगार का प्रश्न तुकबंदी का नहीं है, राजनीति की बहुत साफ समझ रखनी पड़ती है। भारत के नौजवान अपने इस आंदोलन से ढंग का प्रेस कवरेज हासिल नहीं कर सके, करोड़ों की संख्या में ये उनकी फेलियर है, असफलता है। रिजल्ट और ज्वाइनिंग तो दूर की बात है, उनके घरों में भी लोग दिन रात रिया चक्रवर्ती का मीडिया के जरिए लिंच किया जाना देख रहे होंगे, चेक कीजिए, और समझा जाता होगा कि मीडिया इंसाफ कर रहा है। भारत में कई प्रकार के बेरोजगार हैं, जिनकी कथा कही वे सरकारी सेक्टर की नौकरियों के बेरोजगार हैं। इसी तरह लाखों रुपए प्रोफेशनल डिग्री में खर्च करने के बाद अनगिनत युवा बेरोजगार हैं, वो भी लाखों करोड़ों में हैं। महामारी के दौर में जिनकी नौकरी चली गई, वे भी एक प्रकार के बेरोजगार हैं, मिल नहीं रही है, मिलेगी भी नहीं। जिनकी सैलरी आधी हो चुकी है और नौकरी जा सकती है, वे नौकरी करते हुए भी खुद को बेरोजगार जैसा महसूस करने लगे हैं। वे ऐसे आंदोलनों से दूर हैं। ट्रेंड आंदोलन बेरोजगारी का संपूर्ण आंदोलन नहीं है, अपनी अपनी परीक्षा का सीमित आंदोलन है। सबको अपना अपना आंदोलन चाहिए, सबको अपना अपना हैशटैग चाहिए, वो तो फ्री का है, ले लीजिए। आप एक शब्द बार बार सुनते होंगे नेताओं के भाषण में, युवा शक्ति। भारत की राजनीति का यह सबसे बड़ा मिथक है, सबसे बड़ा झूठ है। युवा शक्ति नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। ब्रेक ले लीजिए।